अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप सबको वेलकम करता हूं बजीज वर्ल्ड में। आज जो है फिंचेस का सेटअप लगाने लगा हूं। मेरे पास केज वगैरह इतना भी नहीं था तो मैंने अभी इसके अंदर इंशाल्लाह फिंचेस अभी डालनी है और अन करीब आप लोग देखेंगे कि मेरे पास एक कॉलोनी भी होगी फिंचेस की। सो वक्ती तौर पर अभी यहाँ पर रखते हैं, तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये बच्चे जो सारे बच्चे निकले थे वो मैंने अलग कर दिए हैं इस केज में से, और अब इस केज की करनी है सफाई, और सफाई करने के बाद इंशाल्लाह इस पर लगेंगी हांडियाँ, और हांडियाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। सो भाई केज हो गया है बिल्कुल अब साफ, आपको जैसे कि दिख रहा होगा केज साफ़ कर दिया है। कंगनी इसके अंदर मैंने डाल दी है बर्तन में, ये देखें आप लोग, और केज है मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा। पानी मैंने अभी तक नहीं डाला क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था पानी मैं इनको थोड़ी सी जो मेडिसिन वगैरह है वो मिला के दूंगा, क्योंकि जब मैं फिंचेस का लेके आया हूँ रात के वक्त लेके आया था तो थोड़ा सर्दी सी हो रही थी और मेरी कुछ फिंचेस को मुझे फील हो रहा है कि बुखार हो गया। अब जो है फिंचेस की लगाते हैं हम हांडियाँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगेगा। सो ये देखें जी क्या बन गया माशाल्लाह से। चार हांडियाँ लगा दी हैं इसके अंदर, एक उधर है एक इधर है और दो येरी हांडियाँ, दो स्टिक्स लगाई हैं मैंने हांडियों के पास और फिंचेस का खाना रख दिया। ये मत सोचिएगा कि जो ये फिंचेस का आपको केज दिख रहा है ये परमानेंट है, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है ये केज। जस्ट मैंने अभी जो फिंचेस लेके आया हूँ उनके लिए प्रॉपर जगह बनानी थी और मैंने हांडियाँ इसलिए लगा दी हैं कि सपोज़ अगर वो ब्रीड कर जाती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं तो इनकी इंशाल्लाह इस हफ़्ते या अगले हफ्ते या इसी महीने में इनकी बहुत अच्छी कॉलोनी बन जाएगी और वो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिलहाल मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाना था कि अगर आप एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ चार पेयर से, मेरे पास टोटल तीन पेयर हैं, एक मेल एक्स्ट्रा है मेरे पास, तीन या चार पेयर अगर आप लाना चाहते हैं तो आप इस केज में उसको इस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू आता है कि यार हम चार से पाँच फिंचेस किस तरह से रखें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ढाई फीट का, तकरीबन ढाई फीट की इसकी ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है वो, और अंदर से जो इसकी गहराई है वो मेरे ख्याल से डेढ़ फीट की है, डेढ़ से दो फीट की गहराई है, तो माशाल्लाह से बेहतरीन केज है इनके लिए। और जब मैं फिंचेस छोड़ूंगा आपको खुद फील होगा कि इनके लिए ज़बरदस्त केज है, अच्छी खासी इसके अंदर स्पेस है और माशाल्लाह से चार हांडियाँ भी इसके अंदर लगा दी हैं। तो चलें अब हम अपनी फिंचेस को इसके अंदर छोड़ते हैं और फिर देखते हैं। भाई बन गई है वीडियो, देख सकते हैं माशाल्लाह से फिंचेस ने जो है मैंने अंदर डाल दिया और मैं केज अपना कर देता हूँ बंद। तो हाँ जी, तो यार ये कम से कम तीन पेयर हैं इसके अंदर और एक जो है वो मेल एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो इसमें नर है मुझे बहुत हल्का, मतलब मादी जो है मुझे थोड़ी सी बीमार लग रही थी तो मैंने पानी इनका निकाला हुआ है, पानी वैसे ही देना है डॉक्सीसाइक्लिन का आधा कैप्सूल इनके इस बर्तन में, बल्कि एक कैप्सूल इस बर्तन में डाल के मैं इनको शाम में पिला दूँगा। और माशाल्लाह से ये मेरा सेटअप जो है वो हो गया स्टार्ट और बहुत जल्द इनको जो है वो घास वगैरह डाल देंगे और ये देखें जी खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड चलेगी मुझे जो लगता है, और अगर नहीं भी चली तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह इनकी कॉलोनी एक बड़ी बनाएंगे। तो तब तक आप देखें कि किस तरह से एक छोटे सेटअप से स्टार्ट होता है, आज की डेट में डाल दूंगा तो आज की डेट से हम स्टार्ट करते हैं, हमने फिंचेस रखी हैं तो कितनी देर में हमारे पास इनकी ब्रीड आती है। तो देखते रहें बजीज वर्ल्ड, अल्लाह हाफिज़।